Hello everyone and welcome to this video. In this video, I'm going to give a tour of Varanasi Airport, which is known as Lal Bahadur Shastri International Airport. So please keep watching till the end and subscribe my channel. ये है वाराणसी एयरपोर्ट का एंट्री एंड एग्जिट एरिया. देख सकते हैं यहाँ पर तीन D1, D2 एंड D3 गेट्स आर अवेलेबल फॉर एंट्री एंड एग्जिट पर्पस. मैं इसी D2 गेट से एंट्री करने वाली हूँ. एंटर करते समय आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कैरी करना काफ़ी मैंडेटरी है, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं मिलेगी. फर्स्ट इज़ फ़ोटो ID प्रूफ और आपका बोर्डिंग पास आपके साथ होना चाहिए. और ये कोरोना टाइम है तो कोरोना के वैक्सीनेशन के प्रूफ होने चाहिए. प्लस उसके बाद आप आते हैं अपनी पर्टिकुलर फ़्लाइट में, जो भी आपकी फ़्लाइट है. जैसे कि मेरी फ़्लाइट है विस्तारा की, तो मैं विस्तारा के काउंटर में आ गई हूँ चेक इन करने के लिए. यहाँ पर मैंने अपना बैगेज दे दिया है, जिसके सिक्योरिटी चेक्स हो जाएगी और इसके पैरामीटर्स चेकिंग के बाद ये मेरा बैग जाएगा उस फ्लाइट में, और जो कि मुझे मिलेगा पुणे में, जो कि मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट है. और ये है सिक्योरिटी जोन. अपना बैगेज देने के बाद मैं सिक्योरिटी चेक्स करा लिया है, जिसमें जो भी आप हैंडबैग कैरी कर रहे हैं या जो भी आपके साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं या कुछ भी इंपॉर्टेंट ज्वेलरी और ये सब हैं, इनकी सारी चेकिंग होती है. बैग से निकालने के बाद चेक्स थॉरली चेकिंग होती है, उसके बाद ही अंदर एंट्री दी जाती है. तो मैंने अपना सिक्योरिटी चेक्स करा लिया है, उसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर. ये है वेटिंग एरिया लाउंज और फर्स्ट फ्लोर से मेरी फ़्लाइट मिलेगी, जो कि गेट नंबर 4 में आने वाली है. तो ये ऊपर से व्यू है, फर्स्ट फ्लोर से इसका व्यू है. देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट फ्लाइट्स के आपको काउंटर्स दिखाई देंगे और बहुत सारे डिस्प्ले पैनल्स हैं जहाँ सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती रहती है टाइम टू टाइम. और ATM भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है. तो सारी फैसिलिटीज़ आपको बनारस के एयरपोर्ट में मिल रही है. और ये अगेन सिक्योरिटी जोन एरिया आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से. और उसके जस्ट बगल में है वेटिंग लाउंज, जहाँ पर आप वेट कर सकते हैं फ़्लाइट का. और ये स्टेयर केस के बाद एस्केलेटर है. राइट साइड मुझे जो लिफ्ट मिली थी वो है. उसके बाद चलते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं गेट नंबर 4 का एरो इस साइड है, लेफ्ट साइड. और यहाँ पर काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ मुझे दिखाई दी है, जो कि है सेल्फ़ी जोन. और यहाँ मैं बहुत सारी क्लिक्स लेने वाली हूँ और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग से है, क्योंकि यहाँ पर बनारस का ही कल्चर दिखाया गया है. चलिए देखते हैं अंदर से कि ये कैसा लगता है. जैसा कि बनारस में है तो यहाँ पर बनारस की ही चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे बनारस की वर्ल्ड फेमस गंगा आरती, काशी विश्वनाथ जी टेम्पल हैं, काशी विश्वनाथ जी हैं और गंगा के घाट हैं. महात्मा बुद्ध ने जहाँ अपना प्रथम उपदेश दिया है वहाँ सारनाथ है, अलकनंदा क्रूज़ है. ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं और कई सारी मेमोरीज़ आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं. उसके बाद यहाँ पर ये छोटे छोटे टेबल और चेयर है, जो कि हैंडीक्राफ्ट हैं. और मैंने भी यहाँ पर बहुत सारी क्लिक्स ली है, जो कि एक लाइफ टाइम मेमोरी हो जाती है आपके पास. आप भी यहाँ आ सकते हैं और बहुत सारी क्लिक्स मेमोरी कैप्चर कर सकते हैं. जैसा कि ये मेरे डॉटर की फ़र्स्ट फ्लाइट है, तो मैंने भी बहुत सारे यहाँ पर मेमोरीज लिए हैं. और पीछे आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन के पीछे भी एक मॉम एंड डॉटर हैं, तो हमने आपस में कई सारी क्लिक्स लेने में एक दूसरे की हेल्प की है. तो ये था वाराणसी एयरपोर्ट. और इसकी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात होने वाली है, कुछ ही दिनों में ये एशिया का ऐसा एयरपोर्ट बनने वाला है जिसके ऊपर से रनवे जाएगा और नीचे हाईवे होगी. तो विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. यहाँ पर आपको कुछ खाने पीने के आउटलेट मिल जाते हैं, जहाँ पर आप कॉफ़ी टी वाटर स्नैक्स कुछ भी आप परचेज कर सकते हैं. और उसके बाद ये एरिया जो ग्रीन सा दिखाई दे रहा है वो है वॉशरूम एरिया. और यहीं पर आपको कुछ शॉपिंग के लिए आउटलेट्स कुछ मिल जाते हैं, जहां बनारस के हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्टेड चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे लकड़ी के टॉयज़ हैं, बनारसी साड़ियाँ हैं,
दुपट्टे और कई सारी चीज़ें जो बनारस से हैं। और ये है वॉशरूम एरिया जो मैंने थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश की है। आई होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।